इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा अर्थ भी बराबर से नहीं है, हमारा काम भी बराबर से नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं, हमारा मोक्ष की तरफ जो हमें जाना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारे अभी धरती पे इतना अधर्म क्यों है, इतना chaos क्यों है? Because lots and lots of ratio of अधर्म. So जैसे आप धर्म पे चलते हो, धर्म मतलब क्या है? आपके individual nature पे. आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? खुद के साथ जैसे ही connect करते हो, आप खुद के साथ stable हो जाते हो. Anchor, anchoring, navel means anchoring. तो जैसे आप खुद के नाभि के साथ जुड़ जाते हो, तो you become a anchor. Anchor मतलब कैसे? जो शिप का एंकर होता है वो सिचुएटेड हो जाता है, आया ना? सो ऐसे आप बन जाते हो. सो यू बिकम अ स्टेबल येट रूटेड येट बैलेंस्ड येट अ अवेकेंड पर्सन इन विच बाहर केओस है, बाहर हैप्पीनेस है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू आर जस्ट इन सच्चित आनंद. और ये जो सच्चित आनंद है हमारा संतों ने हमें दिया है कि एक स्पेसिफिक पाथ दिया है, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए रिचुअल्स दिए हैं, वो हम सिर्फ उनको फॉलो नहीं कर रहे, बस हो ही है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट टू गो टुवर्ड्स द मोक्ष एंड द धर्म, योर अर्थ एंड काम ऑलरेडी टेकन केयर, इट ऑलवेज गेट्स टेकन केयर. ये तो अभी क्या हो रहा है, आप सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हो. क्या आपको वो कंटेंटमेंट दे रहा है? इज इट प्रोवाइडिंग द कंटेंटमेंट? इज इट प्रोवाइडिंग द हैप्पीनेस? हां ना, नहीं दे रहा है. मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एक कंटेंटमेंट की राह में, है कि नहीं? आपको ये इंफॉर्मेशन कितना में देऊं? ऑलरेडी सब है इस पे रिसर्च, ऑलरेडी गूगल है एक सर्च पे. और क्या वो मदद करता है? डज आवर एजुकेशन सिस्टम हेल्प अस इन द कंटेंटमेंट? इट डजंट. इट डजंट अलाउ अस टू बिकम द प्रॉस्पेरिटी इनटू अ प्रॉस्पेरस पर्सन. प्रॉस्पेरस मतलब कैसे? पैसों में प्रॉस्पेरस नहीं, एक अबंडेंस व्यक्ति. डज इट अलाउ अस टू बी इन द सर्च means in the ease? No, it doesn't. So फिर क्या है फिर? So इसलिए है कि हमारे जो संतों ने हमें एक दृष्टि दी है, वो दृष्टि दी है, अगर वो दृष्टि हमने अप्लाई की तो ही हमें प्यार का अनुभव हो सकता है, तो ही हमें आनंद का अनुभव हो सकता है. The way the saints have given us the teachings, those teachings are the solutions for the eternal happiness. For the divine love, for the divine compassion. Now imagine, the Buddha ji got enlightened and he is just talking about forgiveness. और फिर हम आज के डेट में कह रहे हैं, हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया. Imagine कीजिए Buddha ji वहाँ पे जाके, peak पे जाके, उसी forgiveness की बातें कर रहे हैं. तो then have you really practiced forgiveness? Have you really practiced the love? I don't think so. Have we? अगर कोई संत कहते हैं कि आप सिर्फ मंदिर में जाओ और आपके एनलाइटनमेंट हो जाता है, आप सिर्फ दर्शन करो तो आपके एनलाइटनमेंट की पॉसिबिलिटी है, बट आर वी रियली डूइंग द दर्शन ऑफ द गॉड्स? आर वी डूइंग दैट? द गॉड्स आर नथिंग बट द वाइब्रेशन, सो वी आर नॉट बेसिकली टैपिंग द तत्वस, द गुण ऑफ द दर्शन. तो अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ स्टैचू देख रहे हैं और अंदर के जो इल पैटर्न्स है, वासनाज है, वो हमें लगता है हाँ 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 यही है यही है. तो वो वासना के बेसिस पे हम कर रहे हैं सब. हम प्यार को वासना पकड़ लिए हैं हमें. तो इसलिए हमारे जीवन में इतना अधर्म क्यों है, ये प्रकृति में इतना अधर्म क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज प्यार की कमी. इतना ग्रीड क्यों है लोगों में? प्यार की कमी. इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? प्यार की कमी. इतने सारे मेंटल इश्यूज क्यों है लोगों में? प्यार की कमी. प्यार, बिकॉज द मोमेंट यू आर इन अ डिवाइन लव, योर हार्मोनल सिस्टम चेंजेस. And to get into the love, you need to remove the number of accumulations. Because the moment when you are conceived, you have a specific set of tones and frequencies. Your specific purpose in life. But that purpose gets deviated with the noise. जैसे मेरे साथ हो रहा था, है कि नहीं? मैं कहाँ पे था और कहाँ पे जा रहा था? मगर अभी वहाँ से इधर आ गया हूँ, फिर से back to square one, square zero. मतलब जहाँ से मैंने रागों का चिकित्सा सीखा है, वहाँ भी तो वहाँ पे आ रहा हूँ फिर से, नाद योगा पे, हमारे ancient modalities पे, है कि नहीं? तो हम deviate होते जा रहे हैं. deviate क्यों होते जा रहे हैं? Because हम अस्वस्थ हैं. number of toxins है हमारे body में, हमारे mind में,
हमारी इमोशनल लेयर्स में, और ये है बहुत सारा ओवरथिंकिंग के कारण भी है, हमारी डीएनए की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हम हमारे लेवल के साथ सिचुएटेड नहीं है, जो हमारे संतों ने कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स दिए हैं वो हम फॉलो नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको सब फॉलो करना है, अगर जो हो रहा है वो तो करो, वो भी नहीं फॉलो कर रहे हम। इसलिए यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हरि पाठ में भावे बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति। मीन्स क्या कि भाव नहीं है आपके जीवन में तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। तो हमारे जीवन में क्या आया अभी? अभाव, अप्रेम, अश्रम है, अश्रम नहीं है मतलब श्रम है बहुत, है कि नहीं? अस्वस्थ है हम समृद्धि के तरफ नहीं जा रहे, असमृद्धि के तरफ जा रहे हैं, और हमें लग रहा है हाँ हाँ हम मॉडर्न बन रहे, अब मॉडर्न नहीं बन रहे हैं, अब कचरे में जा रहे हैं, ऐसे है। और इसके मतलब मैंने जो मतलब अच्छे अच्छे मास्टर्स के साथ सुने हैं वो और इसमें डीपर लेके जाते हैं। तो इसलिए प्यार की कमी है हमारे जीवन में, कंपैशन की कमी है, माँ की कमी है, माउली माउली एक डिवाइन मदर, एक अनकंडीशनल मदर की कमी है, गौ माता की कमी है हमारे जीवन में। बिलीव मी, आपको ये बातें अगर लग रही है उठपटांग से है, ऐसे ही कुछ तो बता जा रहा हूँ मैं, मगर आई एम टॉकिंग विद द मोस्ट साइंटिफिक बैकग्राउंड। I am getting invitations from all over the world as of now to teach Ayurveda, to teach Nadi Yoga. The doctors there, last year मुझे यूरोप से invitation आया है, वहाँ पे जाके मैं 20 दिन रहा हूँ, और अभी मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, because education अभी complete करना है मुझे। So वहाँ पे doctors वहाँ पे PhD level के scientist को ये सब, आप CERN नाम की laboratory है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी physics laboratory, they are studying the subatomic particles, the God particles, and they are studying the Shiva. Now imagine, they are studying the Nataraja statue. वहाँ पे बकायदा वहाँ पे है, world की biggest Nataraja की statue वहाँ पे है, Switzerland में है. Because it is representing the intrinsic nature of creation, sustenance and destruction, the cosmic dance. But you are not getting tuned with it. है कि नहीं? People from all over the world are visiting Vrindavan. आलंदी की जगह है, वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। Why? Because in the Western culture, there is no spiritual background. हमने taken for granted लिया हमारी चीजें, बहुत सारी चीजें। हमें लगता है कि वहाँ पे गटरी है। We have taken granted everything what has given to us. We have taken granted the Vedas. We have taken granted the Upanishads. और सिर्फ खेल हो रहा है हमारे जीवन के साथ, illusions पे ही जी रहे हम। अगर एक क्षण में आप जैसे ही सरेंडर करते हो, रेजिस्टेंस आप निकाल देते हो आपके जीवन में से, फॉर दिस स्क्रिप्चर्स, फॉर द गुरुज, फॉर द साधुज, बिलीव मी आपके जीवन में प्यार है, सिर्फ प्यार ही है। बिकॉज संत और धर्म और मोक्ष और हमारे शास्त्रों का दर्शन कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों के साथ, योगीज के साथ। और वहाँ भी है सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, वहाँ भी है सच लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ऐसे ही सीखोगे बाहर से तो आपको देता नहीं है, वो ट्रैप में डाल देता है आपको। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बट इफ यू आर डूइंग विद दी फंडामेंटल्स, देन इट ब्रिंग्स अ प्रॉस्पेरिटी, नहीं तो आप ट्रैप में फंस जाते हो। एंड दैट्स व्हाई पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यू मस्ट हैव बीन इन द मेनी योगा आश्रम्स, राइट? हैव यू बीन टू? फ्यू। If they are very much rooted and authentic, they will teach the correct yoga. Or else what is happening right now? The yoga teachers themselves are in depression. The doctors themselves are in depression. So, हम आचार्य नहीं बन रहे, हम वैद्य नहीं बन रहे, हम बन रहे टीचर, हम बन रहे हैं डॉक्टर, है कि नहीं? Because Patanjali Yog Sutra says, when you are practicing yoga, you should be in the state of no mind. Nirvichara ritumbara pragya. Means what? When you are in the state of no mind, that's where the yoga starts to happen, और आपके प्रज्ञा का विकास, प्रज्ञा means the journey of the Bodh, the journey of the soul, that starts to evolve. Bodh, इसलिए हमारे जो foundation है BodhMarga foundation, so Bodh की तरफ मार्ग, Bodh मतलब क्या है? The teachings of the Vedanta. Bodh means a divine awareness, a divine love, a divine compassion, and when you tap that divine awareness, you are in the conscious living.
और एल्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. आपको पता चला आप 50 साल कैसे बीते हैं, आपको पता चला आपको आपसे 50-60 साल कैसे चले गए, आपको पता चला आपको 40 साल कैसे चले गए. ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई पासेस, वी आर अनअवेयर, वी आर अनकॉन्शियस अबाउट इट. इन जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई इट हैपेंस, है कि नहीं? That's why we are unconscious, we are unaware. And the moment the Bodh comes in your life, you start to be in awareness. You start to develop a divine love. Or ye love hi sab scriptures ka essence hai. Compassion.